बालाघाट में मिला एक कोरोना पॉजिटिव मरीज। पंचायत चुनाव रद्द होने पर कांग्रेस ने किया विरोध। और देवी तालाब के साथ निपटाया आखर मैदान। 25 दिसंबर को प्राप्त कोरोना रिपोर्ट में बालाघाट जिले के एक मरीज का सैंपल कोरोना पॉजिटिव आया है। ये मरीज नगरी क्षेत्र लांजी का निवासी है। इस मरीज का होम आइसोलेशन में उपचार किया जा रहा है। मरीज का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी भेजा गया है, जिसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण का पता लगाया जाता है। कोरोना पॉजिटिव इस मरीज से संबंधित जानकारी पता चला है कि उसका किसी बाहरी व्यक्ति से संपर्क नहीं हुआ है और न ही वह कहीं बाहर गया था, जिसके बाद अब कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 0 से बढ़कर अब 1 हो गई है। प्रदेश में एक तरफ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा करके सरपंचों से फॉर्म भरवाना शुरू किया गया, तो दूसरी तरफ ओबीसी आरक्षण को लेकर मामला न्यायालय में लंबित होने के चलते यह चुनाव असमंजस की स्थिति में था। लेकिन आज रविवार को मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को रद्द करते हुए कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर दिया। यदि चुनाव ही नहीं कराना था तो चुनाव की घोषणा सरकार ने क्यों की, जिसके विरोध में प्रदेश के साथ साथ बालाघाट नगर के अम्बेडकर चौक पर युवा कांग्रेस अध्यक्ष तबरेज खान के नेतृत्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया गया। चुनाव स्थगित जो हुए हम मानते हैं कि चुनाव स्थगित होगा सदन में, लेकिन ये हमेशा सदन में से पहले भी ये भूल चुके हैं कि हम बिना आरक्षण के जो चुनाव नहीं लागू करेंगे। फिर भी चुनाव चल रहे थे, आज जो है इन्हें कैबिनेट में बैठक लेके जो स्थगित करें, फिर भी अगर जब तक के ये चुनाव आयोग नहीं बोलता कि ये स्थगित हो गए, जब तक के हमारा संघर्ष जारी रहेगा। बालाघाट जिले में इन दिनों शासकीय तालाबों पर अतिक्रमण के साथ भू माफियाओं द्वारा राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों से मिलीभगत फर्जी मालिकाना दर्ज कर शासकीय भूमि को खुदबुर्द करने की चर्चा जोरों पर है। लेकिन बालाघाट शहर में तो भू माफियाओं द्वारा शासकीय देवी तालाब के साथ गौठान आखर मैदान को भी निपटा दिया गया है। बालाघाट के शहर के हृदय तल में स्थित बेशकीमती शासकीय देवी तालाब की भू माफियाओं द्वारा क्या स्थिति की गई है, ये तो किसी से भी छुपी नहीं है। लेकिन यहाँ तो एक और मामला भी निकलकर सामने आया है, जिसमें देवी तालाब से लगे 2 एकड़ की गौठान आखर मैदान बद्ध को भी भूमि माफियाओं द्वारा राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों से मिलीभगत कर निपटा दिया गया। शासकीय विलेखों में देखा जाए तो उसमें स्पष्ट दर्शित है कि देवी तालाब में लगा 2 एकड़ का गौठान आखर मैदान है, जिसके पास एक मंदिर और किसी वकील का मोटर गैराज स्थित है। 2011 में वैनगंगा की पावन धरा पर परम पूज्य मनीषी आचार्य श्री कौशिक जी महाराज का आगमन हुआ, जिसके बाद वे अब पुनः बालाघाट में 29 दिसंबर को आगमन होने जा रहा है। उक्ताशय की जानकारी सत्यनारायण अग्रवाल, रमेश रंगानी, रेखा बिसे ने सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। जी के जो शिवलिंग के कार्यक्रम के बाद परम पूज्य कौशिक जी महाराज का कार्यक्रम बालाघाट को अभी तक मिला नहीं है। बीच में कुछ कोरोना काल भी आ गया, जिसकी वजह से भी जनजीवन वैसे भी थोड़ा सबका अस्त व्यस्त भी हो गया। इसके बाद ये पहली बार ऐसा लगता है कि बालाघाट में कुछ इस प्रकार से कार्यक्रमों का बाढ़ सी आई है। अभी हमारे प्रवीण जी महाराज साहब उनका प्रवचन नूतन कला निकेतन में चल रहा है। यह कार्यक्रम 29 तारीख एवं 30 दिसंबर 2021 को सुबह 11 बजे से 4 बजे तक रहेगा। इसका स्थान है हरि मंगरम लाल हनुमान चौक गोंदिया रोड बालाघाट। यह आयोजन में महाराज जी स्वयं उपस्थित होंगे। 28 तारीख को महाराज जी रात में आ जाएंगे। 2 दिन का समय हमें मिला है। आग्रह है सभी जनता जनार्दन से इस 2 दिन के आयोजन में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और महाराज जी के श्रीमुख से धर्मराज दुष्ट चरित्र का प्रवचन का लाभ लें। जनपद पंचायत परसवाड़ा के अंतर्गत ग्राम पंचायत समनापुर में 15वें वित्तीय योजना के अंतर्गत 14,90,000 की स्वीकृति राशि से 520 मीटर लंबी सीसी नाली का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जो कि वार्ड नंबर 10 कपूर बिसेन के घर से वार्ड नंबर 11 दिनेश सेंद्र के घर तक करना था, मगर ठेकेदार द्वारा पूरा कार्य नहीं किया गया। समनापुर वार्ड नंबर 11 निवासी नरेंद्र तिलकाम ने जानकारी देकर बताया कि इस नाली का जो निर्माण कार्य चल रहा है उसकी निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत समनापुर है, मगर ग्राम पंचायत समनापुर द्वारा नाली निर्माण का कार्य उखवा निवासी ठेकेदार संजीव अग्रवाल को दे दिया गया है। इसमें ये जो काम चल रहा है नाली में, इधर देख के बताओ ना, इसमें रेत कहाँ की लगा रहे हैं? ये तो अभी नाले की चाहिए रेत, उधर दिख रही फोटो ले लो नाले की। हाँ वो तो फोटो ले लूंगा मैं, नाले की रेत लगा रहे हैं। हाँ इसमें राड राड क्या 200 दी है राड, क्यों कितनी मिस्त्री राड कितनी दी? दो राड दी, दो राड दे रहे हैं बस इसमें।
सीधी वाली में दो। तो ये नाली कहाँ तक जाना था कहते तुम? ये आम पेड़ तक। भैया क्या लिखते हो नाम? नरेंद्र सिंह तिलगाम। तिलगाम कहाँ निवासी? निवासी समनापुर। ये जो नाली का निर्माण कार्य चल रहा है, ये लगभग आपके घर के सामने तक ही होना है? हाँ, घर के सामने तक ही होना है। इसमें बताइए, इसमें की इसकी शिकायत मिली है कि नाली निर्माण क्या क्या कमियां दिखाई दे रही हैं? ये नाली जो बनी है लगभग 250 मीटर तक के, तो उनकी क्वांटिटी जो है लोहे की और मटेरियल की वो सही डाले हैं, और 250 मीटर के बाद में उनने पूरी घटिया कर दिए, रॉड की कमी कर दिए, रेत जो है वो नाले का डाले हैं। ये बताइए बेस की ये जो डाल रहे हैं नीचे नाली में बेस, इसकी मोटाई कितनी है? उसकी मोटाई करीबन 5 mm लगभग होगी। 5 mm मतलब वो बिल्कुल इतनी पतली सी? पतली है। हाँ, साइज बताओ उसे। 5 mm इतनी होगी। ये नाली कहाँ तक बनना था? ये नाली तुम्हारे घर तक बनना था? मेरे घर तक बनना था बोर्ड के अनुसार। बोर्ड ने कहा था कपूर पटेल के घर से दिनेश सेंद्र के घर तक, तो ये तो अधूरे में बड़े भैया के घर तक। तो यहाँ से आपका घर यहाँ से करीब लग दिख रहा है वो? हाँ, 10 मीटर 10 ज्यादा ही है। परसवाड़ा में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। तहसील मुख्यालय परसवाड़ा के पास बस स्टैंड में स्थित एक मोबाइल की दुकान पर बीती रात अज्ञात चोरों ने 16 नग मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया। मामला कायम कर परसवाड़ा पुलिस द्वारा अज्ञात चोरों की पतासाजी की जा रही है। खैरलांजी युवा कांग्रेस अध्यक्ष आकाश खड़वे के नेतृत्व में कटंगी के हृदयस्थल में ओबीसी आरक्षण विरोधी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंक कर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। आज प्रदेश भर में भाजपा की शिवराज सरकार द्वारा देश भर में ओबीसी आरक्षण निरस्त किया गया, नियम विरुद्ध चुनाव करवाने का घोषणा किया गया, और आज की थोड़ी देर पहले की ताज़ा खबर है कि चुनाव निरस्त करा दिया गया। आज शिवराज सरकार नियमों को ताक पे रख के, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ताक पे रख के प्रदेश में लोगों के साथ जन विरोधी कार्य कर रही है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आए नए मोड़ ने पंचायत चुनाव में हिस्सा ले रहे उम्मीदवारों की उम्मीदों में पानी फेर दिया है। शिवराज सरकार में कैबिनेट ने चुनाव निरस्त कराने को लेकर राज्यपाल के पास प्रस्ताव भेजा ही नहीं, अपितु स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल से भेंट कर चुनाव टालने के कारणों की चर्चा की है। चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ ही लगातार घट रहे घटनाक्रमों को देखते हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हिस्सा ले रहे उम्मीदवार चुनाव होने और चुनाव निरस्त होने को लेकर सशंकित है, जिसके कारण चुनाव में हिस्सा ले रहे उम्मीदवारों और उनके समर्थकों में उत्साह सक्रियता नहीं दिखाई दे रही है जो किसी भी चुनाव में दिखाई देती है। हमारे यहाँ लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है जो हमारे को संविधान ने प्रदान किया हुआ है कि जनता का, जनता के लिए जनता का चुना हुआ जो लोकतंत्र है वो हमको प्रदान किया गया है, और जो छोटे स्तर का चुनाव होता है वहीं से अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर जनता जो है वो अपने जनप्रतिनिधि के पास जाती रहती है, और लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा कोई कुठाराघात नहीं हो सकता कि जब लोग अपनी तैयारी कर लें, मैदान में चले जाए और चुनाव की घोषणा हो जाए, उसके बाद जिस प्रकार से अचानक सरकार के द्वारा ये जो चुनाव स्थगित कर दिया गया, ये लोकतंत्र के लिए ये अच्छी बात नहीं है। अभी आप देखो 4 दिन चुनाव शुरू हो गया, लोगों ने बड़ी मुश्किल से NOC ली, नल का बिल, बिजली का बिल, मकान का टैक्स, इन्होंने दुर्भाग्यवाद यह है जो बिजली बिल करोड़ों का जो माफ कर रहे वो भी इन्होंने वसूले, आज 3 दिन में लोगों के लाखों में खर्च हुए, चुनाव सरकार ने स्थगित कर दी, तो जो लोगों के लाखों में खर्च हुए उसकी जिम्मेदार कौन है? जो आबादी लोगों को जमा किए हैं उसको वापस करना चाहिए। देखिए, जो पंचायत का राष्ट्र चुनाव चल रहा था अभी, इस चुनाव में शुरू से ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ अधूरापन लग रहा था, कुछ विसंगति लग रही थी, और ख़ासकर जो लोग चाहते थे कि 2014 के बाद हर 5 साल में जो रोटेशन होता है उसका पालन किया जाए, रोटेशन के हिसाब से लोगों की तैयारी भी रहती है, और जो परिसीमन किया गया था पंचायतों का, पंचायतें छोटी बनाई गई थी, उस परिसीमन का भी लोगों का ध्यान था, कुछ नए लोगों को मौका मिल रहा था, तो इसमें कुछ जैसे भी विसंगति आई, मामला हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है तकनीकी रूप से कुछ ना कुछ खामी रह गई। हमारे जो वकील खड़े हुए पक्ष के सरकारी वकील, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बातों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। ऐसा सरकार को भी लगा जी, तो माननीय शिवराज जी ने चुनाव आयोग से भी भेंट की, राज्यपाल जी से भी भेंट की जी, और चूंकि पिछड़े वर्ग को छोड़ कर के चुनाव होना भी प्रजातंत्र के हित में नहीं था जी, तो प्रजातंत्र को ध्यान में रखते हुए और शिवराज जी ने ठीक निर्णय किया है, सरकार ने ठीक निर्णय की है जी। अब सरकार माननीय शिवराज जी और उनका कैबिनेट
क्या तय करता है और चुनाव आयोग फिर वापस कौन से नियमों के तहत चुनाव प्रक्रिया तैयार करता है, इस पर सारा दार मदार रहेगा। लेकिन चूंकि मैं जो समझता हूं वो ये समझता हूं कि 1 जनवरी से वापस नए मतदाता आएंगे 18 साल, उनके नाम जुड़ेंगे, तो प्रक्रिया तो कुछ समय रुकेगी पर बहुत लंबा समय नहीं लगेगा, ऐसा मैं मान के चलता हूं। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।